उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज है। वहीं बता दें कि पहले चरण का मतदान 4 मई को हो चुका है और वहीं अब दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होने वाला है। वैसे सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावों को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। साथ ही चुनावों को लेकर जहां सभी पार्टियां तैयारियों में लगी है, तो वहीं जनहित टाइम्स की टीम चुनावों को ध्यान में रखते हुए लगातार अलग अलग जिलों के वार्ड में जाकर हर प्रत्याशियों से उनके चुनावों को लेकर बातचीत कर रही है। साथ ही जानने की कोशिश कर रही है कि चुनावों को लेकर प्रत्याशी की क्या तैयारियां चल रही है। वहीं अब गाजियाबाद में दूसरे चरण के मतदान होने जा रहे हैं, जिसको लेकर अब हमारे संवाददाता ने गाजियाबाद वार्ड नंबर 93 के सपा प्रत्याशी आरिफ मलिक से बातचीत करी। वैसे चुनावों को लेकर प्रत्याशी आरिफ मलिक काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। वहीं आज उनकी रैली निकल रही है। बता दें कि वहीं क्या कुछ बताया प्रत्याशी ने अपनी रैली को लेकर और साथ ही अपने वादों को लेकर, सुनिए जरा। आज ही रैली का आयोजन किया गया, क्या उद्देश्य इस रैली से? आज हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं, गाजियाबाद में जो मेयर और पार्षद का चुनाव है, सबसे बड़ी जीत अगर समाजवादी पार्टी की कहीं होगी तो केला भट्टा में होगी। केला भट्टा से इतनी बड़ी जीत होने जा रही है समाजवादी पार्टी की कि एक नया इतिहास लिखा जाएगा। अच्छा, कितने तादाद में लोग आपके साथ इकट्ठे हैं, कहां से कहां कहां के लिए रैली जाएगी? ये पूरे केला भट्टा में रैली घूमेगी वार्ड नंबर 93 में। अच्छा, वार्ड में क्या क्या काम और ऐसा है जो रह गया, अगर आप पार्षद बनते हो तो कराओगे? वार्ड के मैंने 80% काम करा दिए, 20% काम शेष है जिन्हें मैं पार्षद बनने के बाद कर दूंगा पूरा। क्या क्या काम है ऐसा जो कराने के लिए बाकी है? मेरे वार्ड में स्कूल और बरातघर बनना शेष है, बाकी सारे काम जो है हो चुके हैं। अच्छा, बरातघर के लिए कब से लड़ाई लड़ रहे हो आप? बरातघर के लिए पूरे 5 साल से लड़ाई लड़ी है और उसमें कुछ काम हो भी गया है, बहुत जल्दी वो बरातघर भी बन के तैयार हो जाएगा। प्राइमरी स्कूल की बात कर रहे थे, प्राइमरी स्कूल की क्या? प्राइमरी स्कूल भी बहुत जल्दी बनेगा, उसकी भी लड़ाई में लड़ रहा हूँ, उसकी भी कार्रवाई जारी है। अच्छा, केला भट्टा की जनता से क्या कहना चाहूँ? केला भट्टा की जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि समाजवादियों की इतनी अच्छी जीत करानी है अब की बार कि पूरे प्रदेश में मैसेज जाए कि एक केला भट्टा है जिसमें 50,000 के लगभग वोट हैं और वहाँ से 95% वोट समाजवादी पार्टी को मिले। रैली का आयोजन करा गया है, कहाँ से कहाँ तक ये रैली जाएगी? रैली का आयोजन करा गया है और वार्ड नंबर 93 से आगे आगे चलो चलो फोन पकड़ो, कभी किसी का फोन आ गया। भाई रहा फोन, हाँ फैसल भाई, और आने वाले 5 साल की राष्ट्रपति ये हमारे आरिफ अली साहब भी और जीतने जा रहे हैं और अभी कोई भी उनके साथ तोड़ में नहीं है। मोहम्मद शुएब। अच्छा, चुनावी दौर शुरू हो गया, किस तरह चुनाव को देखते हैं आप? चुनाव बहुत जोर शोरों से चल रहा है और साइकिल का जोर है और इंशाल्लाह पिछली 5 सालों से भी रिकॉर्ड तोड़ जीतों से हासिल होगी, बहुत अच्छा चुनाव का माहौल चल रहा है। गाजियाबाद से जनहित टाइम्स के संवाददाता सोनू खान की रिपोर्ट।